स्टूडेंट्स इन दिस टॉपिक वी शेल डिस्कस दायरेटरी रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टू हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी या बॉडी के किसी भी पार्ट के पास एडिक्एट ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए तो इसे हाइपोक्सिया कहते हैं वाटरी और एकटिक इन्वायरमेंट जो है उनमें ऑक्सीजन कॉन्टेंट बहुत ज्यादा वेरी करता रहता है Easily aquatic animals are faced with more frequent and rapid changes in the oxygen levels. Many aquatic animals can withstand very long periods of hypoxia. Many aquatic animals respond to hypoxia by utilizing anaerobic mechanisms. Many animals adjust their रेस्परेटरी एंड कार्डियोवस्कुलर सिस्टम टू मेनटेन एडिकुएट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हाइपॉक्सिक वॉटर्स कुछ फिशेज जो है वो अपना गिल्स में वेंटिलेशन रेट को बढ़ा देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर फ्लो करे और मैक्सिमम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जा सके इसी तरह से जो रैम वेंटिलेटर्स हैं जो कि अपना मुंह ओपन करके स्विम करती हैं सो so दैट के वाटर उनके अंदर एंटर हो और गिल्स पर से फ्लो करे ऐसे रेम वेंटिलेटर्स हाइपोक्सिक वाटर में जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो उसमें अपने माउथ को ज्यादा वाइडली ओपन कर देते हैं सो दैट टू एनहांस दी ऑफ वाटर इन साइड द माउथ एंड फ्लो ओवर दी गिल्स रेस्टोरेंट नाउ वी शैल डिस्कस हाइपोक्सिया एट हाई एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है एज ए रिजल्ट

आ, ये लंग वेंटिलेशन रेट इसलिए इंक्रीज किया जाता है ताकि इन्वायरमेंट से ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब किया जा सके जिसमें की क्वांटिटी कम है तो इसको आ, डील करने का यही तरीका हो सकता है आ, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम भी बन जाती है वो क्या है कि जब वेंटिलेशन रेट इंक्रीज करता है तो ऑक्सीजन तो ज्यादा अब्जॉर्ब करना मकसद होती है लेकिन उसके साथ एक्सपायरेशन के वक्त बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा मिकदार में लूज होना शुरू हो जाती है दैट रिजल्ट्स इन ए फॉल इन द पीएच इन द दैरिब्रोस्पाइनल फ्लूड राट इंक्रीज इज दी पीएच ऑफ इंक्रीज इन पी पीएच ऑफ द सेब्रोस्पाइनल फ्लूएड कॉज इज ए रिडक्शन इन वेंटिलेशन तो ये तो काउंटर एक्ट कर जाती है ये वाला फैक्टर जो कि हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड हाई वेंटिलेशन रेट था वो पीएच लेवल इंक्रीज करने की वजह से रिड्यूस हो जाता है अगर हाइपोक्सिक कंडीशन कंटिन्यूसली मेंटेन रहे तो फिर एनिमल एक्लेमेटाइज कर जाता है आदि हो जाता है ब्लड की पीएच को और सीएसएफ की यानी सैरिब्रोस्पाइनल फ्लूड की पीएच को मेंटेन कर लिया जाता है बाय एक्सक्रीटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बाई कार्बोनेट This acclimatization takes some time. In humans, it takes about a duration of one week.